चुनाव आयोग ने की गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तारीखों की घोषणा। गुजरात में दो चरणों में होंगे चुनाव, 13 और 17 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव, वोटों की गिनती 20 दिसंबर को। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत। राजकोट में एक रैली में राज्य सरकार की जमकर खिंचाई। किसानों को गिनाए खुदरा व्यापार में एफडीआई के फायदे। भ्रष्टाचार पर दो मुहि बात के लिए की भाजपा की आलोचना। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि महज संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाकर ही लिंग समानता और संवेदनशीलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। दुनिया भर के संसदों के महिला अध्यक्षों के 7वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए लिंग समानता के लिए बनने वाली नीति निर्माण और संसद का अधिक संवेदनशील होना है जरूरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने बिहार के एक दिवसीय दौरे के दौरान पटना में कृषि संबंधी रोडमैप साल 2012-17 की योजना का किया शुभारंभ। रक्षा अकाउंट डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट सुगम और पेंशन सेंशंस प्रोजेक्ट नामक दो सॉफ्टवेयर किए हैं तैयार। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने की इन सॉफ्टवेयर की शुरुआत। प्रोजेक्ट सुगम अकाउंटिंग बिलिंग और अंदरूनी ऑडिट को कर देगा आसान। देश की सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में जल संसाधनों और सिंचाई मंत्रियों का 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। केंद्रीय जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बेलसनले की अध्यक्षता। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर सभी स्कूलों में 6 महीने के भीतर पीने के पानी और शौचालय सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं को मुहैया कराने का दिया निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से आवश्यक दवाओं की कीमतों की मौजूदा व्यवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए जाने को कहा। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक की स्थगित। देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर 5.1 क्षमता के भूकंप का असर मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल में देखने को मिला। एशियाई देशों को विकास कार्यों के लिए ऋण मुहैया कराने वाले एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2012 के लिए भारत, चीन समेत 43 विकासशील देशों की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। भारत की विकास दर का अनुमान 7% से घटकर 5.6% किया। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने कारों के दामों में 5,250 रुपये तक की है बढ़ोतरी। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू। सेंसेक्स 50 अंक की बढ़त के साथ 18,874 पर बंद। इसके साथ ही निफ्टी में भी 12 अंकों का उछाल 5,731 पर बंद। अमेरिका स्थित एक चीनी कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पवन चक्की सौदे को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरू। का ओबामा ने किया गैर कानूनी फैसला। अमेरिका ने कहा उसके पास है कंपनी के खिलाफ पर्याप्त सबूत। उत्तरी नाइजीरिया के एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में सेना की वर्दी पहने हुए बंदूकधारियों ने 46 छात्रों को उतारा मौत के घाट। यह भयावह हमला सोमवार की रात को मूवी शहर में स्थित अदामावा स्टेट यूनिवर्सिटी में हुआ। घटना के बाद लगा कर्फ्यू। लीबिया के बानी वालिद के पास 2 घुटों में झड़प, 1 व्यक्ति की मौत, 5 अन्य घायल। सूत्रों के अनुसार घटनास्थल के गद्दाफी समर्थकों के केंद्र में रहने से आगे भी बढ़ सकता है मामला। मिश्र की राजधानी कायरा में नए संविधान के मसौदे की तैयारी। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए 200 प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि सुपर 8 चरण के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से बड़े अंतर से मिली हार आईसीसी T20 विश्व कप में टीम के बाहर होने का रही अहम कारण। टीम के प्रदर्शन पर जताया संतोष। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सुपर 8 मुकाबले के दौरान टखने में लगी चोट। चैंपियंस लीग में खेलना संदिग्ध।